Hey friends, welcome. My name is Shubhi Alawalia and I'm here to teach you business studies. Our today's topic is classification of business activities. So the question arises, what are business activities? All activities which are undertaken in connection with production of things and carrying them from the place of production to the place of consumption are called as business activities. So let me break down this definition for you. The first key term is production. So what is production? Production का मतलब होता है किसी भी raw input को use करके एक consumable output produce करना. And then the question arises of what is a place of production and why are we supposed to carry goods from the place of production to the place of consumption. अब एक बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि हर चीज़ हर जगह प्रोड्यूस नहीं हो सकती क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज दे माइट नॉट बी अवेलेबल एट एवरी प्लेस. सो फॉर एग्जांपल पंजाबी फुलकारी चुन्नी, सो दैट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन मेजर सेंटर्स ऑफ पंजाब बट दे आर डिमांडेड इन द वर्ल्ड वाइड. अब वो दुनिया के पास पहुँचेगी कैसे, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, राइट? सो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ कम इन टू प्ले. दे हेल्प goods from the place of production to the place of consumption, the transferring and the complete settlement. Now we are with what are the types of business activities. The first one is industries and the second one is commerce. Now the question is, what is an industry? It refers to an economic activity which undertakes the production and manufacturing of goods and services. Now, every good and services needs to be produced at some place, right? Like raw material needs to be converted into an output so that we the people can consume it. So this is the job of the industry. Now industry produces a huge number of goods. So what are the types of goods? The first one is capital goods. Now the question must be, what are capital goods? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी. अब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री मशीनरीज प्रोड्यूस कर रही है. अब वो मशीनरीज आफ्टर प्रोडक्शन दे विल बी यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. द सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर गुड्स. नाउ व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच यू एंड आई बोथ कंज्यूम ऑन डेली बेसिस. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा. ये वो गुड्स होते हैं जो एक बार प्रोड्यूस हो जाते हैं और दे डायरेक्टली कम टू अस द कंज्यूमर्स. द थर्ड टाइप इज़ इंटरमीडिएट गुड्स. ये वो गुड्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन तो होता है बट आफ्टर देयर प्रोडक्शन देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इज़ डन इन अदर इंडस्ट्रीज. यू मस्ट बी कन्फ्यूज्ड अ बिट, सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल रबर प्रोडक्शन हो गई. अब वो फर्दर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई हो जाता है, वहाँ पे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ इट इज़ अ टायर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, वहाँ पे वो रबर यूज़ होगा टायर बनाने में. ऑन दी अदर हैंड अगर वो एक स्टेशनरी की इंडस्ट्री है तो वहाँ पे इरेजर्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस होंगे. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. Now I'm going to explain all of them to you in detail with examples. Now the first question is, what are primary industries? Now the question is, what are primary industries? The primary industry includes those activities through which the natural resources are used to provide raw materials to other industries. Now let me explain it to you. यहाँ पे होता क्या है कि raw material जो होता है वो हम लेते हैं nature से. अब इन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करके एक सेमी फिनिश्ड गुड क्रिएट होता है और ये सेमी फिनिश्ड गुड फर्दर ट्रांसफ़र होता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को जो इन्हें रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती हैं, इनको फर्दर प्रोसेस करती हैं और एक फाइनल कंज्यूमेबल गुड क्रिएट करती हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वुड. अब जो ट्री की ट्रंक्स होती हैं उससे वुड लॉग्स यहाँ प्राइमरी इंडस्ट्री में क्रिएट होता है. फिर ये वुड लॉग्स फर्दर सेंड किया जाता है मे बी टू द फर्नीचर इंडस्ट्रीज और वहाँ पे उसे प्रॉपर फर्नीचर में कन्वर्ट किया जाता है. नाउ हियर वी हैव टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. नाउ व्हाट इज अ जेनेटिक इंडस्ट्री? दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच The breed of animals and vegetables are improved and made more useful. Genetic industries deal with living organisms. यहाँ पे animals और plants को breed और rear किया जाता है. इनके examples हैं animal husbandry, poultry farming and plantation. So hens, cows, lamb, sheep etc. को breed और rear किया जाता है for meat, milk, eggs respectively. यहाँ पे plantation and orchids का भी role है. Vegetables, fruits की production होती है with a continuous genetic mutation to make it better every day. Now comes the question, what are extractive industries? Those industries under which something is extracted out of earth, water and air. यहाँ पे लेना देना है हमारे natural resources को extract करने से. इनके examples हैं coal, iron और gas. For example, like when coal is mined, कोल की माइनिंग्स होती हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी. एज इलीगल माइनिंग के केसेस हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं. सो कोल जब अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो एक्सट्रैक्टिंग यूनिट्स या वो एक्सट्रैक्टिंग फर्म्स एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती हैं. नाउ वी हैव सेकेंडरी इंडस्ट्री. सो व्हाट आर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज? इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच यूजेस द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री and changes them into finished goods. अब जैसा कि मैंने आपको वो वुड वाला एग्जाम्पल दिया, जहाँ पे वुड लॉग्स क्रिएट हुए प्राइमरी इंडस्ट्री में और वो फर्दर सेंड कर दिए गए दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे वो फर्नीचर में कन्वर्ट हुआ. सो द फर्नीचर इंडस्ट्री इज़ द सेकेंडरी इंडस्ट्री. यहाँ पे फाइनल गुड की प्रोडक्शन हुई. So the secondary industry also has two types. The first one is manufacturing industry and the second one is constructive industry. So what is a manufacturing industry? It refers to those industries wherein raw material and semi-finished material is converted into finished, usable goods. अब यहाँ पे manufacture होता है. Raw input लेके एक final product को produce किया जाता है. For example, steel from iron ore. Now, iron ore को लेके उसमें से steel manufacture करना is a part of manufacturing industry. The second example is sugar from sugarcane. While sugarcane is processed, a lot of byproducts are taken out. One is sugar, other is good, and etc. Now comes the question of constructive industries. The industries under which constructive work is done using things produced by other industries. Now these industries produce things which are permanent in nature and for public welfare. अब constructive word से ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे construction का role है. Constructive industries produce goods for public welfare and which are in large amount. For example, roads, bridges, etc. ये public welfare के लिए create की जाती हैं using materials like cement, bricks, etc. अब बात आई टर्शरी इंडस्ट्री की. ये थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री होती है. सो व्हाट इज़ अ टर्शरी इंडस्ट्री? टर्शरी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस इंडस्ट्रीज. सर्विस इंडस्ट्रीज ये आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. नाउ इट इंक्लूड्स दो सर्विसेज विच हेल्प्स अ बिजनेस टू मूव अनहिंडर्ड. नाउ लेट मी फर्स्ट टेल यू द मीनिंग ऑफ अनहिंडर्ड. हिंड्रेंस का मतलब होता है कोई बैरियर या कोई परेशानी क्रिएट करना. नाउ अनहिंडर्ड का मतलब वो परेशानी या दिक्कत को सॉल्व करना. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स एंड इंश्योरेंस. नाउ आई नो यू मस्ट बी अ बिट कन्फ्यूज्ड ऑफ हाउ इट हेल्प्स अस, सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हिंड्रेंसेस इन बिजनेस विच द टर्शरी सेक्टर हेल्प्स अस टू रिमूव. फॉर एग्जाम्पल, the hindrance in taking things from one place to another. Like I have told you, not everything is produced everywhere. हर चीज़ हर जगह produce नहीं होती, but उसकी demand तो हर जगह ही होती है. अब वो from place of production यानी जहाँ पे उसे produce किया गया to the place of consumption यानी जहाँ उसकी demand है, वो वहाँ कैसे पहुँचेगा? यहाँ पे हमें help करता है transport sector. ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में हेल्प करता है. ये टर्शरी सेक्टर का एक पार्ट है. Then comes hindrance of finance. अब आपको ये बात तो पता ही है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ती है. लाइक ईजी फ्लो ऑफ मनी नीड्स टू बी देयर इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस प्रॉपरली, क्योंकि डीलिंग्स करनी होती हैं रेगुलर बेसिस पे. इसलिए तो अब हर किसी के पास इतना फाइनेंस नहीं होता. तो हेयर कम्स द रोल ऑफ बैंक्स. बैंक्स हेल्प्स अस विद द फाइनेंस. नाउ बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड अस लोन्स and we can also deposit money there. So this is very helpful in order to run a business smoothly. The third is hindrance of risk. Now we know business is not a bed of roses. Risks हमेशा रहेंगे. But we learned it कि हम risks completely avoid नहीं कर सकते, but हम उनके लिए prepare कर सकते हैं. और यहाँ पे हम उनके लिए prepare करते हैं insurance के साथ. अब how does insurance help us? इंश्योरेंस एक लीगल बॉन्ड होता है जिससे हमारे गुड्स के अगेंस्ट हमें एक अमाउंट प्रॉमिस होती है. इफ़ द डैमेज इज डन ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस एज मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस, उसके बाद हमें उसकी जगह मनी रिफंड मिल जाएगा इन केस द डैमेज हैपन्स. सो हेयर इंश्योरेंस प्लेज अ रोल. द फोर्थ वन इज हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन. अब मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, पर आपको मैंने जो प्रोड्यूस किया उसके बारे में पता कैसे चलेगा? मैं तो यहाँ प्रोड्यूस करके बैठ गई, पर आप यानी कस्टमर मेरे पास आएंगे कैसे? यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आ गया. तो ये कम्युनिकेशन बैरियर हटाने के लिए एडवर्टाइजमेंट हमें हेल्प करती है, जो हम एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स तक पहुँचाते हैं. नाउ कम्स हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स. अब प्रोडक्शन तो हो गई, बट वो गुड्स रहेंगे कहाँ? स्टोरेज इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट प्रॉपर स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसी स्टोरेज जहाँ पे जो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस हुई हैं उन्हें किसी भी तरह का डैमेज ना हो. अब हर बिजनेसमैन इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके पास एक प्रॉपर स्टोरेज प्लेस हो या वेयर हाउस हो. सो देयर आर वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज. ये हेल्प करती हैं टू स्टोर योर गुड्स in proper condition. Like you all you need to do is to pay them a few amount, yeah, whatever they charge, and then you can keep your goods safely in their warehouses. With this, our tertiary sector comes to an end. So that's all in the industry sector. Now comes the commerce. What is commerce? It refers to the sum total of all those activities which are engaged in removal of hindrances of person, place, time, risk, finance and communication. अब आपको लग रहा होगा ये टर्शरी सेक्टर जैसा ही है. यस, ये टर्शरी सेक्टर जैसा है, पर एग्जैक्टली सेम नहीं. देयर इज़ अ डिफरेंस, सो लेट मी टीच यू इट. अब द क्वेश्चन इज प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक एक गुड पहुँचेगा कैसे? वो पहुँचता है कॉमर्स के थ्रू. लेट मी टेल यू हाउ. नाउ कॉमर्स हैज़ two types, trade and auxiliaries of trade. Now the question is, what is trade? Now trade in simple terms means buying and selling of goods and services. यानी कि आप पैसे देते हैं और आपको उसके बजाय एक गुड मिल जाता है. Like you pay for a cloth, you get a cloth. Now trade is further divided into home trade and foreign trade. Now what is home trade? When the buying and selling of goods takes place within the national boundaries. ये term बहुत important है. National boundaries का मतलब हुआ हमारे particular country के within. Like trade taking place between different states या different towns या different districts. In short, जो भी trade का procedure है वो हमारे country के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा. On the other hand, foreign trade. When the buying and selling of goods takes place across the national boundaries. अब यहाँ पे हमें फोकस करना होगा टर्म across the national boundaries पे. इसका मतलब हुआ जब ट्रेड takes place within different countries, मतलब it does not only include our own country but different countries also. For example, trade relations between India and Pakistan. Now we have classification of home trades. The first one is local trade, the second one is state trade and the third one is interstate trade. So अब आपको इन terms से कुछ ना कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा. So let me explain it to you. The first one, local trade. लोकल ट्रेड होती है जनरली टाउन्स या डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में. यहाँ पे इट इंक्लूड्स गुड्स ऑफ डेली यूज़ एंड दैट विच आर पेरिशेबल इन नेचर. ये वो बहुत सिंपल से डेली यूज़ गुड्स होते हैं जिनकी ट्रेड होती है विद इन डिफरेंट टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स. फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स. लाइक जैसे मिल्क अगर किसी गांव से शहर आ रहा है, इसे हम लोकल ट्रेड का एग्जांपल कहेंगे. द सेकेंड वन स्टेट ट्रेड. इसके एग्जांपल्स होते हैं ट्रेड इन कॉर्न, पल्सेस एक्सेट्रा. यहाँ पे स्टेट के विद इन एज इन मेजर डिस्ट्रिक्ट्स टू मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ट्रेड होता है. एंड द फाइनल वन इज इंटर स्टेट ट्रेड. दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज नेशनल ट्रेड. यहाँ पे यूटेंसिल्स, क्लॉथ, मशीनरी एक्सेट्रा का ट्रेड होता है. यहाँ विद इन द स्टेट्स लाइक डिफरेंट स्टेट्स. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड बिटवीन पंजाब एंड राजस्थान, Rajasthan and Maharashtra, etc. Now we have foreign trade, and we also have three types of foreign trade. The first one is import, the second one is export, and the third one is entreport. Now, what is import? When a trader from a particular country buys goods from the other country. मतलब अगर मैं यहाँ इंडिया में रह के बाहर किसी और कंट्री से गुड्स प्रोक्योर करूँ, खरीदूँ और वो हमारी कंट्री में आए, उसे हम इम्पोर्ट कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया बाइज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईरान. अब यहाँ ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया आते हैं, तो ये एक इम्पोर्ट प्रोसीजर होता है. नाउ वी हैव एक्सपोर्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया सेल्स क्लोथ्स, टी टू फॉरेन कंट्रीज़. अब यहाँ पे गुड्स हमारी कंट्री में नहीं आए, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में गए, तो इसे एक्सपोर्ट कहते हैं. द थर्ड वन इज एंट्रीपोर्ट. नाउ फर्स्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट. इंग्लैंड इंपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड देन एक्सपोर्ट्स इट टू दी अदर यूरोपियन कंट्रीज. एंट्रीपोर्ट थोड़ा डिफरेंट है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से, एंड यू मस्ट बी लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट. इंट्रीपोर्ट का मतलब होता है कि आप एक मीडिएटर का काम करती है आपकी कंट्री. लाइक इंग्लैंड इन दिस केस, इंग्लैंड इंपोर्ट करती है साउथ अफ्रीका से कुछ गुड्स और वो गुड्स बिना यूज़ किए दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर देती है. यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैसेज सा बना. यहाँ पे इंग्लैंड ने वो पर्टिकुलर गुड्स यूज़ नहीं किए, उन्होंने सिर्फ एक मीडिएटर का काम किया. नाउ लाइक द टर्शरी सेक्टर वी हैव ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. Auxiliaries of trade are those services जो एक business को smooth flow में help करती हैं. The first one is hindrance of person, जिसको solve करता है middleman. अब producers कम हैं और consumers ज़्यादा, और हर consumer एक producer के पास जाके goods procure नहीं कर सकता या खरीद नहीं सकता. यहाँ पे role आता है middleman का. अब आप सोच रहे होंगे middleman कौन हुआ? मिडलमैन हुए हमारे होलसेलर्स या रिटेलर्स. वो प्रोड्यूसर्स से गुड्स लेते हैं, होलसेलर्स के पास आ गए गुड्स, अब होलसेलर्स से फर्दर रिटेलर्स प्रोक्योर करते हैं, अब रिटेलर्स के पास से फिर कंज्यूमर्स खरीदते हैं. यहाँ पे एक चेन चला. दिस इज़ अ वन वे चेन. यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास से पहले होलसेलर्स के पास गया, जहाँ पे उन्होंने बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदे प्रोड्यूसर्स से. अब होलसेलर के पास से रिटेलर के पास गया. अब एक रिटेलर कौन होता है? एक रिटेलर वो पर्सन होता है जो जनरली एक ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स अपने पास रखता है टू ऑफर इट टू द कंज्यूमर्स. और अब यहाँ कंज्यूमर्स रिटेलर के पास आके वो गुड्स खरीद लेते हैं. इन शॉर्ट एक प्रोड्यूसर का प्रोड्यूस किया हुआ गुड कंज्यूमर तक पहुँच ही जाता है. सो दिस हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स, यानी कि ये बैरियर कि मैंने प्रोड्यूस किया जो गुड वो कंज्यूमर तक कैसे पहुँचेगा, ये मिडलमैन के थ्रू सॉल्व होता है. द सेकेंड वन इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. इसे सॉल्व करता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस हुआ वही, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक चीज़ें जाएंगी कैसे, ये होगा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू. लाइक ट्रक्स में जाएगा या शिप्स में जाएगा, या इवन जब एब्रॉड जाना होता है या एक्सपोर्ट हो रहा होता है तो इट ऑल्सो गोज़ थ्रू फ्लाइट्स. नाउ कम्स हिंड्रेंस ऑफ टाइम, एंड दिस इज सॉल्व बाय वेयर हाउसिंग. Now, there is usually a time gap between when a particular commodity is produced and when it is consumed, or when a commodity is produced in a particular duration in the year but demanded round the year. So let me give you an example. Sugar is generally produced from sugarcane between the months of November to March broadly. अब यहाँ sugar production हो गई, but sugar की demand round the year रहती है 365 days, right? So अब हम क्या करेंगे, उस demand को deal कैसे करेंगे? When the large amount of sugar is produced, it is stored in some good facilitated place where that sugar will not get destroyed. वो perish नहीं होगी या वो ख़राब नहीं होगी, उन places को कहा जाता है warehouses. अब वहाँ पे extra produced sugar store कर दी गई and as and when the demand arises, वहाँ से sugar transport कर दी गई. That's how warehousing works and that's how warehousing helps. Now we have our final set of hindrances, which are, the first one is hindrance of risk, which is solved by insurance. अब we know business is not a bed of roses. Risks हमेशा रहेंगे, चाहे वो एक small scale business है या वो large scale business है. When goods are transferred from one place to another, बहुत सारे risks होते हैं, like accident हो गया तो, चोरी हो गई तो, etc. So इन रिस्क से हमें प्रोटेक्शन मिलती है इंश्योरेंस के थ्रू. देन वी हैव हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, जो हमें हेल्प करता है सॉल्व करने में बैंकिंग. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, हर बिजनेसमैन अफोर्ड नहीं कर सकता बहुत ईजी फ्लो ऑफ मनी, तो यहाँ पे बैंक्स हेल्प करती हैं. बैंक्स हमें मनी लेंड करती हैं एंड ऑल्सो वी कैन मेक डिपॉजिट्स. सो हेयर bank helps us to keep money in our hands and also helps our business to flow smoothly. Now the final one is hindrance of information, which is solved by advertising. Ab information and communication are the same thing. Communication में barrier नहीं आना चाहिए. Also एक producer जो good produce कर रहा है, उसकी proper information एक customer के पास पहुँचनी चाहिए. That is only possible with the help of advertisement, जहाँ पे एक good की सारी details offer की जाती हैं customers को और उनको knowledge provide की जाती है कि हमारे पास क्या good है, वो किस काम का है, वो कैसे काम करता है और वो क्या facilities provide करता है. That is how advertising helps. Now that's all for today guys. Thank you so much. With this we end our first chapter. In our next video we will continue with our second chapter.